हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल। आप देख रहे हैं टेक हाउस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल डुप्लेक्स के बारे में, क्योंकि रिसेंटली जो गूगल का आईओ 2018 हुआ था उसके अंदर गूगल डुप्लेक्स के बारे में काफ़ी बातें हुई और काफ़ी इसके डेमो शो किए गए थे। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कि गूगल डुप्लेक्स है क्या और ये कैसे काम करता है। गूगल डुप्लेक्स गूगल असिस्टेंस का ही एक पार्ट है, जिसके थ्रू इन्होंने एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, या बोल सकते हैं एक न्यू फीचर ऐड किया है गूगल असिस्टेंस के अंदर, जिसके थ्रू ये रियल टाइम टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये नेचुरल कन्वर्सेशन ह्यूमन बीइंग की तरह ही जो है बात करेगा। मार्केट में जो असिस्टेंस अवेलेबल हैं, वर्चुअल असिस्टेंस, वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे वो आपके लिए मैसेज वगैरह सेंड कर देते हैं या इसी तरह के छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन गूगल असिस्टेंस ने जो है एक फर्दर स्टेप लिया है, जिसको नाम दिया इन्होंने गूगल डुप्लेक्स। ये आपके लिए क्या करता है, बैकग्राउंड में आपके लिए ये रियल टाइम टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हेयर सैलून है, वहाँ पे आपको हेयर कट करवाना है और उस सैलून में ऑनलाइन रिजर्वेशन ऑप्शन नहीं है, तो गूगल डुप्लेक्स आपके लिए उस हेयर सैलून में कॉल करके और जो है आपके लिए टाइम या अपॉइंटमेंट वहाँ पे बुक करेगा। अब बात करते हैं गूगल डुप्लेक्स काम कैसे करता है। एक्चुअली जैसे कि गूगल के जो बहुत सारे अन्य सॉफ्टवेयर हैं, उन्हीं की तरह गूगल डुप्लेक्स भी जो है मशीन लर्निंग के मॉडल के ऊपर ही बेस है। एक्चुअली करता क्या है कि पहले ही गूगल के डेटाबेस के अंदर बहुत सारी कन्वर्सेशन पहले ही सेव होती हैं टेक्स्ट के फॉर्म में, तो वो जब आप कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको कहते हैं तो बस उन टेक्स्ट को लेता है और टेक्स्ट टू स्पीच में उनको कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क इतना है कि टेक्स्ट टू जो स्पीच होता है नॉर्मली वो काफ़ी एक रोबोटिक में होता है, लेकिन गूगल असिस्टेंस ने जो है रिसेंटली ही 6 न्यू वॉइस को लॉन्च किया है गूगल असिस्टेंस के लिए, तो ये बिल्कुल जैसे एक ह्यूमन बात करता है, बिल्कुल उसी की तरह बात करता है एक्चुअली। अब मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि जहाँ पे गूगल डुप्लेक्स कॉल करता है हेयर सैलून में और वहाँ पे कैसे वो अपॉइंटमेंट लेता है। नन्नू, व्हाट हैपेंस इज द गूगल असिस्टेंट मेक्स द कॉल सीमलेसली इन द बैकग्राउंड फॉर यू। सो व्हाट यू गोइंग टू हियर इज द गूगल असिस्टेंट एक्चुअली कॉलिंग अ रियल सैलून टू स्केड्यूल द अपॉइंटमेंट फॉर यू। लेट्स लिसन। Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. अब बात करते हैं गूगल डुप्लेक्स पब्लिक यूज़ के लिए कब लॉन्च होगा। तो बता दें कि अभी गूगल ने बताया है कि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो अभी इसकी रिगार्डिंग जो है इन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन हो सकता है एंड ऑफ दिस ईयर ये लॉन्च कर दें गूगल डुप्लेक्स को। अब बात करते हैं गूगल डुप्लेक्स की लिमिटेशंस क्या हैं। बता दें कि गूगल डुप्लेक्स अभी तक जो है इन्होंने बनाया है कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई रिजर्वेशन है या छोटे मोटे कुछ टास्क हैं उन्हीं के लिए अभी इस चीज़ को बनाया गया है। लेकिन इन फ्यूचर गूगल डुप्लेक्स को एक्सपेंड किया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे न्यू एंड क्यूट फीचर ऐड किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल इन्होंने जो है गूगल डुप्लेक्स को जो है लिमिटेड ही रखा है। ऐसी ही टेक न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।